संदीप और आप देख रहे हैं संडे ट्रिप चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पेट्रोल चेनसॉ। ये 58 सीसी का है और मेड इन चाइना है। आप कोई भी कंपनी लोगे आपको चाइना का ही अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको। अनबॉक्सिंग तो खैर पहले हो चुकी है, इसका डब्बा खोल दिया मैंने और इसको असेंबल करने बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके अंदर एक ये चैन कवर मिलता है, प्लास्टिक का होता है, यहाँ 16 से 22 तक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये मिलती है टूल किट, इस्तेमाल करने लायक सारी ही टूल्स आपको मिल जाएंगे। और एक मिलती है ये 600 ml की ऑयल बोतल, इसमें आपको टूटी ऑयल और पेट्रोल मिक्स करके डालना होता है। 1 लीटर में 40 ml टूटी ऑयल डालना पड़ता है और 0.5 लीटर इसमें आता है, 500 ml इसमें आता है, तो आपको 20 ml जो है इसमें टूटी ऑयल मिक्स करना पड़ेगा। और इसके बाद ये है इसकी ब्रेक, जो इस प्रकार से ब्रेक। और एक मिलती है चेन इसमें, जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे। और ये है चेन गाइड, जो कि अलग से आती है, इसके अंदर बॉक्स में ये फिट नहीं होती है, तो इसको बाहर से ही देते हैं वो, तो आप देख सकते हैं कामामोटो के नाम से लिखा हो लेकिन कामामोटो का होता नहीं है, ऐसे ही है, ये चाइना मेड है। अब आते हैं हम मेन यूनिट पे, तो ये है मेन यूनिट, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 2 स्ट्रोक इंजन में आते हैं और 2 स्ट्रोक में ही सक्सेस हुए हैं। 4 स्ट्रोक में भी निकले हैं लेकिन वो इतना पावरफुल इंजन नहीं होता जितना 2 स्ट्रोक इंजन होता है। इसकी आरपीएम की बात करें तो ये 3000 तक आरपीएम जो प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ ये प्रोटेक्शन के लिए आता है, ये इसको मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का है ये। और नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ और साइड से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये वाली जगह जो है इसमें ऑयल डालना पड़ता है, जो आपको बताया इसमें 500 ml आता है, तो आपने इसमें 20 ml जो है टूटी ऑयल मिक्स करके पेट्रोल को मिक्स करके अच्छी तरह से शेक करके इसमें डालना है। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ की, एक ये जगह दी हुई है, इसमें आपको मोबिल डालना है, जो कि जो चेन होती है यहाँ यहाँ पे चेन चलती है, इस जगह आप देखोगे यहाँ पर चेन चलती है, ये इस जगह चेन चलती है, तो ये चेन को लुब्रिकेट करती है और साथ में इंजन को भी स्मूथ रखती है। तो आपने ऑयल जो डालना है, 2 जगह डालना है, यहाँ पे डालना है पेट्रोल और यहाँ पे डालना है आपने मोबिल। और ये इसका स्टार्टर है जो खींचने वाला है और इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑन ऑफ स्विच है, तो इसको नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा और ऊपर उठाओगे तो ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आती है ये इसकी बारी, ये है इसकी चोक, तो इसको खींचोगे तो चोक लग जाएगी, आप देख सकते हैं, और धक्का दोगे बंद हो जाएगी। और स्मोक की बात करें, स्मोक यहाँ से निकलता है, इसका आगे की तरफ निकलता है, स्मोक आपके ऊपर नहीं आएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। और ये इसका हैंडल है। तो अब ये थी मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में। तो इसकी एक और यूनिट है, ये है इसकी ब्रेक, तो आप देख सकते हैं इसको आगे कर दोगे तो ब्रेक लग जाती है, तो ये क्या होता है, वो चिपक जाता है आपस में इसको, ये देखिए ये आगे धक्का दिया तो ये जो है ब्रेक लग गई, ये छोटा हो जाता है, और इसको जैसे आप पीछे करोगे तो ये खुल जाता है, चलने की कंडीशन में जाता है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है लिखती है इसमें 58 cc है और 3000 तक RPM जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं अगली यूनिट के ऊपर, ये है इसकी गाइड बार, जो चेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, चेन जो है इसके ऊपर चलती है, और इसमें एक दांत आगे भी होते हैं, ये तो ऐसे घूमता है ये। तो हम करने वाले इंस्टॉलेशन के लिए जो मेन चीज़ यूज़ होने वाली है वो ये है, ये वाला, और ये 2 नट दिए हुए हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने चेन को, जो इसकी गाइड वायर है इसके ऊपर, आपने इस तरह से सेट कर लेना है पहले, फिर रखना है इसके ऊपर, ये सेट हो गया है, आपने देखा होगा इस तरह से आपने इसको लगा लेना है। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट, ये जो एक पिन है, पिन दी हुई है, इसको एडजस्ट करना होता है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि चेन बड़ी है छोटी है
तो इसको, और इसको जो है बंद में रखना है, बंद हालत में रखना है, और इसको ऐसे बिठा देना है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं इसको ऐसे कर दिया और ये लगा दिया, और उसके बाद आपने यहाँ से ये जो दिया हुआ है आपको बताया था उसको टाइट करना है। तो ये जो साथ में आता है इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ऐसे टकराता है, तो आपने इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसको टाइट करना है। ये चेन को टाइट कर रहे हैं हम, ये देखिए चेन को ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ये टाइट होगी ज़्यादा तो आप इसको लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नेट ढीले होने चाहिए तभी आप चेन को टाइट और लूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है, दोनों को बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इस टाइम चेन साज हुआ, बिल्कुल चलने की स्थिति में है। और ये चीज़ मैं आपको बता दी, ये सेफ्टी के लिए होता है, जैसे पेड़ काटते काटते यहाँ तक तो पहुँच जाता है तो ये टकरा जाता है आपसे, और बाकी तो आपको समझा दिया। ये जो है इस टाइम अगर आप पीछे कर दोगे तो ब्रेक हट जाएगी, आगे कर दोगे तो ब्रेक लग गई। अभी इसमें अगली बात आती है अभी इसको स्टार्ट करने की, तो स्टार्ट करने के लिए आपने ये जो है स्विच इसको ऊपर करना है, और यहाँ पे चोक दी हुई है इसको एक बार खींचना है आपने, और ये है इसका जो स्टार्टर है। आपने इस तरह से रखना है इसको, पैर जो है यहाँ पे रखना है और स्विच को ऑन करना है, चोक लगा लेनी है और इसको खींचना है। अगर इस तरह की आवाज़ करता है तो चोक को बंद कर देना है, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसको इंस्टॉल करना कितना आसान है और यूज़ करना भी कितना आसान है। यूज़ करने के लिए आपने ये जो है आप ऐसे पकड़ोगे इसको तो ये दब जाता है, ये वाला प्लंजर दब जाता है, ट्रिगर दिया हुआ है तो आपने इसको दबा देना है, पहले ये दबेगा फिर ये दबेगा, और अगर आपने इसको होल्ड कर देना है तो यहाँ पर एक और दिया हुआ है ये, और सेफ्टी का ध्यान रखना है कि ये जो है अगर आप इसको पीछे रखते हैं तो ब्रेक लग जाएगी, आगे करते हैं तो ये ब्रेक हट जाती है, तो इसलिए आगे रखना है, कोई भी काम करना है तो ये बंद हो जाएगा, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक इसको पीछे नहीं करेंगे। दोस्तों मैं इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस इसका है 4000 से स्टार्ट हो जाता है ये, और 58 cc का बोल के दिया हुआ है मुझे। इसके ऊपर एक वीडियो और आने वाली है तो उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि 58 cc में क्या फ़र्क है, 52 cc में क्या फ़र्क है, 62 cc में क्या फ़र्क है, और दुकानदार आपको कैसे लूटते हैं। ये सब जो आइटम है मैं आपको बताऊँ, ये सब जितनी भी आइटम है ये सब चाइना की बनी हुई हैं। इसमें आप कुछ भी लिखवा लो, कोई बोले मैंने ये लिखवा दिया मेरे अपने कंपनी का नाम है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवासबाजी है, सब चाइना से मैन्युफैक्चर होता है, या वही इंजन बनाते हैं वही इसमें डालते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कैसे आपने ख़रीदना है इसको। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो चेनसॉ के ऊपर, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।